तो आप यूएस छोड़ के इंडिया आ गए। सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ जो मैंने देखी है। मैं जस्टिस जंकी हूँ, मुझे इनजस्टिस कुछ ज्यादा दिखती है। स्कूल में कॉलेज में गर्लफ्रेंड्स रही, मैं शावर के नीचे खड़ा होकर ऐसे करके तेरी टीजे से खेला लगा लूंगा कहीं पे, लेकिन नौकरी नहीं कर। जितना भी मैंने आपको देखा सुना है ना, आई थिंक यू आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग थिंग्स। बताओ ना कौन सा। जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे को पॉजिटिव बताओ तो आपके मुंह से एक एग्जांपल नहीं निकलता। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फोर्थ डायमेंशन। आज इस एपिसोड में वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ डायमेंशन ऑफ संजय राजोरा। मैंने अपनी फोर्थ डायमेंशन बतानी शुरू कर दी ना तो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। संजय भाई, मैं इसमें ना बेसिकली वो आपकी पर्सनैलिटी लाना चाहता हूँ जो शेयर नहीं होती यूजली। आप मोस्टली स्टेज पर बोलते हो या और वो मुद्दों पे बोलते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बोलते हो, बट मैं इस वीडियो में ये चाहता हूँ कि एक आपकी पर्सनैलिटी के वो एस्पेक्ट्स शेयर करें, उन एस्पेक्ट्स पे बात करें जो लोगों को आमतौर पर पता नहीं लगेंगे अनलेस दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तब मैं प्रयास भाई आपको बताऊं कि मैं जितनी भी कोशिश करता हूं अपनी लाइफ में, अपने काम से, चाहे स्टेज पे हो, चाहे लिखना हो, चाहे कुछ भी हो, मैं ऑनेस्टली रहने की कोशिश करता हूं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई कैन नॉट एवर बी अ गुड एक्टर, बिकॉज आई एम टू माई सेल्फ। मुझे एक्टिंग में कोई सक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अपने आप से अलग निकल ही नहीं पाता। तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, तो अपने कैरेक्टर से, अपनी पर्सनैलिटी से बाहर निकलना होना चाहिए आपको एक्टर बनने के लिए। वो मेरे बस की है नहीं, तो इसलिए मैं कभी एक्टर नहीं बन पाऊंगा। बट जितना भी काम मैं करता हूँ ना, जितना मैं बोलता हूँ, वो सच्ची है, मेरा सच वही है। आपकी जो इमेज जो सामने आती है ना, वो आती है कि बहुत गुस्से वाला ऐसा आदमी है कि दुनिया में जिसको कुछ भी सही होता नहीं लगता। आपको शायद किसी ने हंसते हुए नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा है। देखो अब तो हंस दिए आप, लेकिन हंसते क्यों नहीं हो आप? मैं गुस्सा हूँ एक्चुअली, मैं बहुत गुस्सा हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। अपने गुस्से का मैंने कोई 10-15% ही निकाला होगा स्टेज पे या कहीं और पे। वो जो 85% है वो तो मैंने निकाला ही नहीं है। मैं बेहद गुस्सा आदमी हूँ। हंसी की जहां तक बात है, किस चीज को देख के हंसूं? इस दुनिया में जहां देखता हूँ वहां इतनी मेरे को सफरिंग, इतनी इनजस्टिस और इतनी नाइंसाफी दिखती है मेरे को, किसको देख के हंसूं? नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन ये बात हंसते हुए भी कही जा सकती है। हाँ, कही जा सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे में वो टैलेंट नहीं है। आप लोगों को हंसाते हो, आप स्टैंड अप करके लोगों को हंसा देते हो, मुझे खुद नहीं हंसते। मुझे नहीं लगता मेरे स्टैंड अप से कोई हंसता है। नहीं हंसता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी कोई दुखी परेशान हो के दुखी परेशान इंसान होगा और वो मेरे को सुनने आएगा तो वो और परेशान होकर चला जाएगा। जैसे आप शुरू में आपने एक शो किया था जाटों के ऊपर, हाँ राइट, हाँ, वो हंसाने के लिए ही था, वो एक व्यंग्य था, इट वाज अ सैटायर ऑन जाट्स। व्यंग तो था, लेकिन जाट उसमें खुश हुए कि हमारे भी शो हो रहा है। बट किसी ने तलवार नहीं निकाली कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। समझ आएगा तो करेंगे ना। जबरदस्त। पर ये है कि हाँ कि सर मैं सिर्फ गुस्सा ही निकालता हूँ। मैं अगर कोई मेरे को स्टैंड अप कॉमिक बोलता है ना तो मुझे गलत लगता है, मैं नहीं हूँ। तो क्या बुलाना चाहिए आपको? मुझे बुलाना चाहिए, क्या बुलाना चाहिए आपको? क्या लगता है क्या बुलाना चाहिए? I think you come across as an angry young man who's very very angry. दुनिया की हर चीज से परेशान है। हाँ, angry ठीक है, young नहीं हूँ अभी, young तो इतना नहीं हूँ। तो young की तो कोई definition होती नहीं है। तो संजय भाई ये बताओ कि आपका बचपन कैसा बीता, कहाँ पर बीता, कुछ उसके बारे में बताओ, कुछ बढ़िया किससे बताओ। बचपन सर बहुत typical lower middle class गांव से आई हुई मेरी family थी। Lower middle class। हाँ। My father was the first generation who came into the cities.
दिल्ली में, और खेती खेती करते थे? हाँ, मतलब वैसे तो ट्रेडिशनली तो हम खेती करते हैं, किसानी है। आपने कभी करी खेती? हाँ, खूब करी है। अच्छा। मतलब जितना, मतलब दिल्ली से छुट्टी में जाके जितना कर सकते थे, मोस्ट ऑफ दम वो जो करी है वो मतलब छुट्टी मनाने के लिए करी है। अच्छा, आप पढ़ते कहीं और थे? गांव में नहीं पढ़ते थे? नहीं, गांव में नहीं पढ़ा। कभी भी नहीं पढ़े? नहीं, दिल्ली में पढ़ा मैं शुरुआत से ही। हाँ। अच्छा। और लाइक हमारी, मेरे फादर जो है वो फादर मदर फर्स्ट जनरेशन थी, उनकी पूरी परवरिश, पूरी पैदाइश और सब गांव में ही हुई है। वो दिल्ली में आए, वो शहर में रहे, और फिर फर्स्ट जनरेशन की तो प्रॉब्लम यही होती है कि ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ठीक है ना, उनको शहर में भी रहना है लेकिन उनको गांव से भी नाता तोड़ना है। और हमें भी वो जो स्कूल में छुट्टियां होती थी, कभी इधर उधर घूमे नहीं, वो गांव में छोड़ाते थे। तो दिल्ली में कहाँ पढ़ते थे, कौन से स्कूल? सर दिल्ली में बचपन में तो मैं पढ़ा था, एक स्कूल था रॉकवेल करके। अच्छा। और ये इंद्रपुरी में था, अब तो है नहीं मेरे ख्याल से। और उसके बाद तो मैं 1984 में तो मैं वापस यूपी आ गया था। अच्छा। और फिर मतलब स्कूल एजुकेशन करने के बाद दोबारा गांव पहुंच गए? नहीं, गांव नहीं, मतलब यूपी में, मतलब मेरे पेरेंट्स ने अपना घर बना लिया था एक। तो स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट होते थे? पढ़ाई लिखाई वाले, सबसे आगे बैठने वाले? हाँ, मैं पीछे बैठने वाला था। पीछे बैठना? मैं पीछे बैठने वाला था। अच्छा। क्योंकि मुझे मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट एक्चुअली स्कूल के बाद आया। और मुझे ये समझ में आया कि स्कूल में जो टीचर्स वगैरह है ना, ये इतनी ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपको पढ़ाई से चिढ़ हो जाए, जबकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपकी सेकेंड नेचर होनी चाहिए। और स्कूल से जब मैं निकला तब मुझे समझ में आया कि कितना जरूरी है पढ़ना। और जो टीचर्स हमको पढ़ा रहे थे उन्होंने इतना, मतलब पढ़ाई को ऐसा बना दिया था कि यार ये इतना बोरिंग है और इतना टेररिजिंग है। एंड देन लेटर ऑन व्हेन आई लेफ्ट स्कूल एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग माय सेल्फ, देन आई रियलाइज कि यार दिस इज फैंटास्टिक। आई मीन अगर आप स्कूल में ही जाए वापस आगे पढ़ाई देखें आप, जैसे डॉपलर इफेक्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, फिजिक्स में, वो मुझे इतना, जिस तरह से वो स्कूल में पढ़ाया गया था ना, मुझे उसका दिल्ली का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कि कोई रजिस्टर नहीं हुआ मेरे को डॉपलर इफेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और स्कूल के बाद में जब मैंने अपने आप से डॉपलर इफेक्ट और फिजिक्स पढ़ी है, डॉपलर इफेक्ट पढ़ा, मुझे लगा वाओ, आई विश आई हैड अ टीचर हु कुड टेल मी कि ये कितनी फिजिक्स जो है कितनी अमेजिंग चीज है, लॉज ऑफ नेचर के कितने अमेजिंग मसले हैं ये, इसने बताया नहीं। तो क्या आपने खुद जाके लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी? हाँ, खुद पढ़ी मैंने सर। वो अलग किताबें थी स्कूल से? स्कूल से अलग थी। हाँ। अच्छा। स्कूल से अलग थी बिल्कुल। तो आप ये बोल रहे हो कि स्कूल की किताबें और जो पढ़ाने का तरीका था वो सही नहीं था? किताबें तो सही थी, टीचर सही नहीं थे। टीचर सही नहीं करा होता तो स्कूल में इतने नंबर आ जाते थे कि पास हो जाते थे? नहीं, स्कूल में तो मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था, मतलब कई बार फर्स्ट भी आया हूँ। अच्छा। हाँ। तो स्कूल में कोई बुलिंग वगैरह का कोई एक्सपीरियंस है? हाँ, मेरी बुलिंग तो खाली की वजह से होती थी, वैसे मैं खुद बुली था, क्योंकि अपने अपने वहाँ पे तो दबा की बुलिंग होती है। हाँ। नो नेम अटैच्ड टू इट, सब इट्स मैं खुद बुली था सर। आप बुली करते थे? मैं बुली करता, लेकिन मेरी बुलिंग जब शुरू हुई ना 1981 में, मेरे को ना चश्मा लग गया था। Okay. और उस चश्मे के चक्कर में मेरी इतनी, कोई चश्मुद्दीन, कोई चोखा, कोई अंधा, कोई क्या क्या बोले मेरी बड़ी। और स्कूल तो छोड़ो, गांव में बोलते थे। मैं तो आप बुली, बुली किसके करते थे? आपने बोला मैं बुली था। सर मैं बुली इस तरीके से था कि मैं नहीं, आई वाज समवन हु वाज ऑलवेज ट्राइंग टू हैव फन। तो अब वो फन ना, जब आप छोटे होते हो तो इट द फन इज ऑलवेज एट समबडीज एक्सपेंस। हिंदुस्तान में तो खास। हाँ, तो वो किसी को, कोई कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई अजीब सा दिख रहा है, उन पे कमेंट करना। और कोई एजुकेशन ये नहीं थी हमारी, कोई हमारा ये नहीं था, कोई रियलाइज कराए कि ये गलत है। मोरल साइंस सब्जेक्ट तो होता था लेकिन उसमें नहीं, सिखाया कुछ नहीं था उसमें, राजे महाराजों की कहानी। बिल्कुल। और आज की डेट में मैं, आप भी मानोगे, मैं मानता हूँ ये कि वो गलत था, वो बिल्कुल गलत, वो हमने गलत किया। और लेकिन हमें पता ही नहीं था उस टाइम पे। बट ये देखो ना, वो गलत
था इसको रियलाइज करने में हमें 40-50 साल लगे। इतने साल लगे जब जाके रियलाइज हुआ कि वो गलत था। नहीं रियलाइज तो देखो सर क्या होता है ना कि रियलाइज तो आपको भी बहुत पहले हो गया होगा, लेकिन उसको करेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अब तो कोई ऑप्शन, अब वापस उनको टेलीफोन करके ये तो बोल नहीं सकते कि यार उस वक्त मैंने, एक तो नंबर नहीं है लोगों के, पता नहीं कौन, बट बोल तो सकते हो, बोल सकते हैं, लेकिन मिले तो सही ना। मेरे को कोई मिले तो मैं तो जरूर जाके कोशिश करी कभी बोलने की, ऐसा कुछ करने की। हाँ मैंने कोशिश करी, लेकिन अब वो इतनी पुरानी बात हो गई है कि उन लोगों का कोई नाता ही नहीं है मतलब चीजों से। तो लड़ाई झगड़े भी किए क्या आपने कभी? लड़ाई झगड़ों में भी देखे? लड़ाई झगड़े मैंने कभी नहीं किए, पर मेरे आसपास होते हुए मैंने बहुत देखे हैं। पर मैंने, आप कभी नहीं थे? नहीं, मैंने एक बार एक पुलिस वाले को मारा था बचपन में। बचपन में नहीं, हाँ ये तो अभी की बात है। तो बताओ कैसे? 15-16 साल पहले की। कैसे हुआ था? आपको पता है मैं अमेरिका में रहता था, तो मैं इंडिया आया हुआ था और मेरी रात की अमेरिका की फ्लाइट थी। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को कहता है कि तू जा रहा है यार, वो पता नहीं 6 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, लेट्स हैव अ ड्रिंक, एक बियर पीते हैं। तो अब वो यूपी में क्या है ना, वो आते बने होते हैं जहां पे आप गाड़ी खड़ी करो और तमीज से अपनी एक बियर पियो, खाना वाना भी आ जाता है उधर, कार में आ जाता है। और वो जगह पर्टिकुलर इसी के लिए, मतलब पीपल पार्क एंड डू दिस। हम जाके खड़े ही हुए थे और एक एक बियर मंगाई हमने, हमने सिप भी नहीं लिया था अभी बियर से। तो एक वहां नोएडा में एक SHO आया और DJ सिंह नाम था उसका, उसने आके मेरी मेरी गाड़ी थी उसकी हेडलाइट फोड़ दी, डंडा मारा और गाली दी। हेडलाइट ही फोड़ दी, डंडा मार गया। वो अपने सब इंस्पेक्टर के साथ आ रहा था और गाली दे के बोलता है कि निकलो यहाँ से कुछ ऐसे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं उतर के बाहर आया, मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हो, गली में तोड़। उसने आओ देखा ना था, वहां से आया उसने घुमा के मेरे एक रैप्टा धर दिया। अच्छा, मुंह पे। प्रयास भाई मैं बता नहीं सकता, मैं मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं मेरे को मतलब मेरे को कोई आगे पीछे का ध्यान नहीं, मैंने देखे घुसन दिया SHO के। मैं तेरी हिम्मत कैसे भी बात लगा। उसने आपको लंबा किया? लंबा नहीं, एक तो वहां पे नोएडा में जिस सेक्टर में सेक्टर 18 का वो SHO था DJ सिंह, उसको ये लगता था कि यहाँ पे तो मैं सरकार हूँ। अब वहां जब उसके घुसन पड़ गया पूरे मार्केट में, तो वो भी शक पका गया थोड़ा सा। पावर का क्या होता है, पावर को यही होता है ना कि रिटेलिएट नहीं करेगा कोई भी है। और उसका सब इंस्पेक्टर जो है वो एकदम से साइड में खड़ा हो गया कि मैं ना पिट जाऊं। अच्छा, तो मैंने उस DJ सिंह के 2-4 घुसन ढंग से दिए, लेकिन उसके बाद तो उसने मुझे जो लपेटा ना, उसने अब पब्लिक में मतलब भीड़ तो इकट्ठी हो ही गई थी, अब उसको ये हो गया कि मैं ऐसे जो मेरे घुसन पड़ गए यहाँ पे, इज्जत की बात आ गई। तो उसने मेरी पसलियों पे घुमा घुमा के मारा, फिर उसको बोला पकड़ो इसे साले को लेके चलो। अब थाने में वो बोला कि तू पी के दंगा कर रहा है, डॉक्टरी कराओ उसकी। डॉक्टरी कराई तो पी तो कुछ थी ही नहीं। और उसके बाद मैं आके चढ़ गया उसके ऊपर, मैंने कहा तू जेल में नहीं डाला, मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो कहते तू पी के दंगा कर रहा है ना, मैं तेरे को बताऊंगा रात को 2 बजे की यूपी पुलिस क्या होती है। तो मैंने कहा तू हाथ तो लगा के, मैं भी चला रहा हूँ, तू हाथ तो लगा, मैंने कहा पी मैंने हुए नहीं, तूने जबरदस्ती जो बदतमीजी करी, तू हाथ लगा गया तेरे वही मारूंगा मैं। और मैंने बोला रात की मेरी फ्लाइट है अमेरिका की, अगर छुट गई ना तो मैं तेरी नौकरी खा लाऊंगा। अब वो रात को 2 बजे तक वो तो आया ही नहीं वहां पे, तो मैं फिर अल्टीमेटली वो लॉकअप में डाल देते मेरे को। फ्लाइट छूट गई? नहीं, मैंने यही बोला, मैंने कहा या तुम अरेस्ट करो और चार्ज लगाओ, नहीं तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और मैं वहां पे चिल्लाने लग गया फालतू में। फिर आसपास के लोगों, प्रिविलेज क्या होती है, प्रिविलेज यही होती है कि हम लोगों की जान पहचाने होती हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो इकट्ठे हो गए तो उनके तोते उड़ गए थोड़े से कि अभी तो SHO पिटा है, अभी कहीं और ना पता नहीं कौन लोग, और जबकि मैं कुछ भी नहीं था। फिर मैं वहां से निकल के गया, तो किसी ने बेल करवाई आपकी? नहीं, बेल तो तब होती है, मुकदमा होता है, मुकदमा ही नहीं हुआ, मुकदमा कुछ नहीं हुआ। बट इतनी पिटाई करी कि, अरे सर मतलब नहीं, पिटाई मेरी वहां थाने में कुछ नहीं, जो इंस्पेक्टर को मैंने वहां पे धरे थे ना, चलने लायक छोड़े नहीं, चला तो गया था मैं, लेकिन ये बात मान लो 2 महीने तक ना मैं अमेरिका में जब नहाता भी था ना, मेरी पसलियों में दर्द होता था।
तो उनको पता है ना कहाँ गोटे धर रहे हैं, उनको मालूम है कि कहाँ धर रहे हैं। मैं मुंह पे मार रहा, मैंने तो दो चार ही मारे, उसके बाद मैं आराम से बैठ मैं ऐसे कितने से अब तेरा नंबर अब तो कर ले। उस वक्त तो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन दो तीन महीने मैं शावर के नीचे खड़ा होकर ऐसे करके तेरी टीजे से यार तेरी ये होता। तो दारू पीने ये सब करते खूब करते थे? नहीं, दारू के साथ आपका कैसा रिश्ता? मैं सर पीता हूँ अब तो। ये पहली बार कब पी थी, कौन सी उम्र में पी थी? पहली बार तो सर मैंने 30 साल की उम्र में पी थी। 30 साल? हाँ। इतना यूजुअली करते नहीं है लोग, कॉलेज वॉलेज में शुरू हो जाता है? नहीं सर, मैं कॉलेज का मतलब जॉब भी कर रहा था, दो साल हो गए जॉब करते करते, दो तीन साल कॉलेज में। तो मैं स्पोर्ट्स में रहता था, मुझे मेरा एक्चुअली मोरलिस्टिक स्टैंड था कि जो लोग ये दारू पीते हैं सिगरेट पीते हैं ये अच्छे लड़के नहीं है, इनके साथ हैंग आउट नहीं करना है, क्योंकि मेरे को ना हर टाइम में खेलने मिलने की लगी रहती थी। और जो मेरे बचपन के दोस्त थे वो भी सब स्पोर्ट्स में है, मतलब जो दारू पीता है वो खराब आदमी है उस वक्त लगता था। उस टाइम लगता, उस टाइम लगता था। पहली बार कैसे पी लिया आपने? पहली बार सर वो कॉर्पोरेट बकवास, मतलब जॉब लगी, ऑफिस की पार्टी हो रही है, वहां पे बॉस बोल रहा है कि पीना यार पीना, तो उनके चक्कर में पीनी शुरू कर दी। उससे पहले दोस्तों ने कभी कॉलेज में नहीं बोला पीना? हाँ बोलते होंगे, लेकिन मैं मतलब उस टाइम पे रजिस्टर कर गए, पैसे भी नहीं होते थे ना कॉर्पोरेट में, जॉब आती पैसे भी आ गए तो फिर कहीं ना कहीं तो खर्च करना। मतलब वो आके ऑफिस में आके वो क्रेडिट कार्ड वगैरह बनाते थे ना कि आपका ये सिटीबैंक का या ये वीजा या मास्टर कार्ड ये, तब लगता था। अब हम गरीब घर के लड़के थे, हमें लगता हमारे भी क्रेडिट कार्ड बन रहे। अब क्रेडिट कार्ड बन गया तो मतलब अनलिमिटेड बनते थे, तो जहां भी गए शो ऑफ करने लग गए कि भैया हमारे पास पैसे। तो मतलब आपके बचपन में कोई पैसों की कमी थी क्या आपको? हाँ बहुत ज्यादा। मेरे जहाँ पे हम रहते थे घर जो बनाया था माँ बाप ने, उसमें सर खिड़कियां भी नहीं थी, मतलब वो शीशे नहीं थे, तो ठंड होती थी या बारिश होती थी तो पिनियां लगाते थे उसके ऊपर की किसी तरीके से ठंड अंदर ना आए, बारिश अंदर ना आए। तो पैसे तो नहीं थे। हाँ स्कूल में कॉलेज में गर्लफ्रेंड्स रही? हाँ सर रही, लेकिन स्कूल कॉलेज में नहीं थी, मतलब एक लूसेज में। पहला इश्क याद है क्या? हाँ पहला बिल्कुल सारे याद है सर, सारे याद है। बताओ। वो इश्क हुआ था मेरे को जब मैं 13-14 साल का था, और वो मेरे से बड़ी थी उम्र में, ज्यादा उम्र में 6-7 साल बड़ी थी, 5-6 साल बड़ी थी, और उनके साथ वो इश्क चला मेरा 10-11 साल तक। अच्छा। और उसके बाद आम लैंग्वेज में कहें तो उन्होंने मेरे साथ बेवफाई कर दी। अच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ मतलब मेरे को इतना कुछ सिखा दिया कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक मतलब इतनी कम उम्र में मेरे को ये एक्सपोजर मिला, और इतनी खूबसूरत और इतनी बेहतरीन इंसान का। क्या एक्सपोजर मिला सर? टू क्वेश्चन एवरीथिंग। अच्छा। और पढ़ना, किताबें पढ़ना। अच्छा, किताबें पढ़ना आपकी पहली गर्लफ्रेंड ने सिखाया? नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा सिखाया था, लेकिन क्योंकि वो खुद इतना पढ़ती थी। और मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको कि शी वाज डूइंग हर एमए, और वो हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई लड़की थी, एंड शी वाज डूइंग हर एमए इन हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अब उसके जो नोट्स थे वो मैंने सारे मतलब उसको नोट्स मिलते थे इंग्लिश में, और मैं उसको ट्रांसलेट करता था हिंदी में ताकि वो पढ़ ले। तो आप ये कह सकते हो कि मैंने उसकी बदौलत मैंने एमए कर ली हिस्ट्री में उस टाइम पे। I was what 15 or 16। अब ये बताओ कि मैं कैसे शुक्रगुजार ना हूं इनका, और मैं ये रोना रोना लेके बैठ जाऊं कि भाई तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने चीट किया मेरे को, ये किया, ये तो कुछ भी नहीं है। उसने मेरे को एमए करा दी सर 16 साल की उम्र में। बात सही है। तो अब ये लोग, ये तो अपने ऊपर ही है ना कि या तो आप रोते ही रहो कि यार आपने मतलब आपके साथ धोखा हुआ। एक्चुअली मेरे साथ धोखा नहीं हुआ, आई वाज मेरे पे एहसान हुआ है। लोग बाज दफा इंटरव्यूज में वगैरह पूछते हैं कि
कि तुम्हारी तुम तो जाट हो यूपी के, तुम तुम्हारा फेमिनिज्म और ये और वो इतने अंडरस्टैंडिंग कैसे है। एक्चुअली आई वॉज लकी सर कि मैं इतनी कम उम्र में इतनी बेहतरीन औरतों के साथ इंटीमेट रहा कि उन्होंने मेरे को जो, और मैं नहीं मानता कि सर कोई भी, वेर आई कम फ्रॉम, मुझे नहीं लगता कि मेरे को किसी ने धोखा दिया है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि उन्होंने मेरे पे एहसान किया है कि उन्होंने मेरे को इतना इतना कुछ बिना चाहते हुए, मतलब एक होता ना कि मैं चलो तेरे को पढ़ा रही हूँ, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटीज, बिकॉज ऑफ हु दे वर, बिकॉज ऑफ हाउ दे यू नो लिव देयर लाइफ एट दैट एज, आई वॉज एक्सपोज टू दैट, और आई विल बी, आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर एवर। तो आप बता रहे हो कि एवरीवन यू मेट यू लर्न समथिंग फ्रॉम देम, ठीक है, यू आर ग्रेटफुल टू फॉर योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड, उसके बावजूद आप एवरी गर्लफ्रेंड, एवरी गर्लफ्रेंड उसके बावजूद आप बोल रहे हो कि गुस्सा है, हाँ क्यों? मतलब इतनी तो खुशियां लोगों ने आपके साथ शेयर करी है कि थोड़ा सा तो आदमी लूज रहे। नहीं, मैं गुस्सा क्यों हूं सर? गुस्सा इसलिए हूं कि जो, इतना ही गुस्सा आपके पास कॉलेज में स्कूल में भी होता था कि नहीं, जो कुछ ऐसा हुआ उसके सर बाद? चीजें एक्यूमुलेट होती गई। देखो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की मेरी अपब्रिंगिंग थी, माय माय पेरेंट्स हाउ दे ब्रॉट मी अप, ठीक है, उन्होंने, आई मीन इट वाज नॉट अ गुड अपब्रिंगिंग, इट वाज अ वायलेंट वो तो अपब्रिंगिंग। खैर गांव देहात में ऐसे ही होती है हाँ, सबके। तो मतलब, और वो भी इस बात पे कि तुम सेकंड क्यों हो एक क्लास में, इस बात पे कुटाई, मारना पीटना, वायलेंस थी बस बेसिकली। बहुत वायलेंस थी। और कुछ लोग होते हैं कि जो उस वायलेंस से जीके निकल लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। सर मैं बहुत सेंसिटिव बच्चा था, अच्छा और उसके बाद सर मेरी जिंदगी में एक मेरा दोस्त हुआ करता था, बहुत ही करीबी, बहुत ही प्यारा दोस्त था मेरा, नाम तो क्या ही लूँ। उसने मेरी बहुत वाट लगाई, कैसे? गैस लाइटिंग लाइफ में, और धोखेबाजी भी तो क्या है बोलूं, मतलब हमेशा मेरे को नीचा दिखाना और हमेशा मेरे को ये दिखाना, अगर मैं कोई अचीव भी कराऊंगी यू डोंट डिजर्व इट। क्या अचीव किया था? अगर मान लो मेरी मेरी जिंदगी में सुष्मिता सेन मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, सुष्मिता जी सॉरी, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं, बट आप बहुत ही मुझे पसंद हो, ठीक है, अगर सुष्मिता सेन जी मेरी गर्लफ्रेंड है तो वो आके ये करेगा, सुष्मिता सेन को ये बताएगा कि यार ये बंदा तो अच्छा है लेकिन बहुत ही मेच्योर है, मैं हूं मेच्योर, आपकी कमियां एम्प्लीफाई करता था जाके। कमियां एम्पलीफाई करना, और वो भी कमियां ऐसी, मतलब जो कमियां हैं भी नहीं। अगर वो मैं, आपको लगता है हाँ मतलब वहां पे जाके उसने बड़ी तकलीफ उठाई बिल्कुल लाइफ तो फिर अमेरिका कैसे पहुंचे आप? में। सर वही उस टाइम पे आईटी का इतना वो था, मैं कोई खास टैलेंटेड मतलब था नहीं, वीडियो का टैलेंट था, और मेरे को उस टाइम पे आईटी की मेरे तो मास्टर्स थी, उसके चलते चले गया वहां पे। मतलब अमेरिका जाना कोई बहुत जीनियस थोड़ी खाली जाता है, आईटी में तो, कौन जाते हैं? आईटी में तो गधे घोड़े हैं, तो मैं घोड़ा भी नहीं था, मैं तो गधा था, बट भेड़ चाल में निकल गया। नौकरी के टाइम पे कभी रिजेक्शन फील किया? नौकरी के टाइम पे तो कभी नहीं किया, क्योंकि आई वॉज कम्पीटिंग विद अदर मीडियोकर माइंड ना, हाँ तो थोड़ा सा चल जाता था, ऑल्दो आई थिंक के आई डिडंट डिजर्व दैट, क्योंकि मैं मतलब काफी कामचोर आदमी। Do you think you were a good employee? नो, आई वाज नॉट, आई वाज स्मार्ट एम्प्लॉय, Were you a good team player? आई वाज अ गुड टीम प्लेयर, अच्छा। जो मेरी टीम में जूनियर हुआ करते थे वो दे लव्ड मी, दे वांटेड टू वर्क विद मी, बिकॉज़ मैं उनकी बातें सुनता था, उनको बोलते कि यार इतना काम मत करो, ये आराम से हो जाएगा, ये 2 घंटे का काम है, इसको 8 घंटे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 2 घंटे करो और बाकी 2 घंटे मेरे साथ चलो बियर पी के आते हैं। उनकी लाइफ सुनता था, उनकी बातें सुनता था,
कहानियां सुनता था, आई वॉज वेरी पॉपुलर विद विद द जूनियर्स, मेन एंड वुमेन बोथ। आपने कभी रेसिज्म फेस किया है 10-11 साल रहे? कितना टाइम रहे? मैं 7-8 साल था। अच्छा हाँ किया मैंने, बट वो रेसिज्म बड़ा अजीब सा था मेरे को। मेरे साथ डायरेक्ट रेसिज्म और इनडायरेक्ट? नहीं नहीं रेसिज्म मतलब पता नहीं इसको रेसिज्म बोलेंगे या नहीं नहीं बोलेंगे। कि मेरे साथ एक बंदा काम करता हूँ, ईरानियन था, और एक दिन मैं अपने बैठ के हेडफोन लगा के मैं कुछ यूट्यूब देख रहा, वो आके मेरे को गाली बोली, फकिंग इंडियन इंडियन फकटार्ड फक हेड, पता नहीं क्या क्या बोल गया मेरे को। तो मैंने जाके उसको बोला, मैंने क्या हो गया, मैं सॉरी यार मैं तो हेडफोन लगाए हुए क्यों चिल्ला रहे। फिर मुझे वहां पे समझ में आया कि ये तो रेसिस्ट अटैक है और ईरानियन इंडियन पे कर रहा है। नहीं बट अगर ऑफिस में बैठ के गाने सुनोगे तो ये गाली देगा ना भाई हेडफोन पे? ऑफिस में काम करने जाते हो ना, गाने सुनना सुनने जाते हैं। अरे सर आपको भी पता है ना, जब हेडफोन लगा के मैं सुन के काम कर रहा हूँ और वो आके चिल्ला रहा है, उसकी अपनी कोई और फ्रस्ट्रेशन रही होगी। अच्छा बट उसने नाम लेके बोला कि हाँ हाँ मेरे मेरे क्यूबिकल में आके बोला यू फकिंग इंडियन फकटार्ड और ये और वो। तो उस टाइम पे आपको क्रांतिकारी नहीं जागा अंदर का? नहीं मुझे तो कुछ ऐसा खास बुरा लगा नहीं था, लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा तो उसने इसने मतलब रेस के ऊपर कमेंट किया, बदतमीजी कर दी। तो आपने कुछ 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 नहीं किया? तो मैंने मैं जाके अपने बॉस के पास चला गया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा है। क्योंकि इंडियंस का क्या है ना सर, कि जब इनको पता चलता है, इंडियंस खुद तो अपने मुल्क में अपने साथ वालों के साथ कितने रेसिस्ट है सर। देखो स्काई देख रहे हो कितना खूबसूरत है, देख रहे हो ब्लू भी है, डार्क भी है, व्हाइट भी है, हिंदुस्तान में नहीं दिखता है। हाँ तो इंडियंस जो है ना खुद कुछ भी बोल सकते हैं किसी को, और जब इनको ये पता चलता है कि ये चीजें बोली नहीं जाती हैं, तो वो उसको मतलब मेरे को जब ये पता चला कि मैं इसकी कंप्लेन कर सकता हूँ जाके, तो आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम, और मेरे बॉस ने बहुत सीरियसली लिया। तो नौकरी से निकलवा दिया क्या? नहीं मैंने ये बोला था, मैंने कहा इसको डांट लगा दो बस, टॉपिक से मुंह निकाल। तो आप क्या आप ये कह रहे हो कि इंडियन रेसिस्ट होते हैं? हाँ होते हैं सर। आप यहाँ पर स्कॉटलैंड में रहते हो ठीक है, अगर आप मान लो कल को इंटरव्यू देने जाओ ना कहीं पे किसी जॉब के लिए, और वहाँ पे इंडियन आपको इंटरव्यू ले रहा है, वो आपकी ना गांड मार ले और वो पूरी कोशिश करेगा कि ये हायर ना हो। बदले में अगर कोई मतलब यहाँ का लोकल आपको इंटरव्यू कर रहा है, तो वो आपकी स्किल पे उसमें बात करेगा। इंडियन तो नहीं, तो इंडियन फेयर नहीं रह पाते। नहीं इंडियंस का तो ये है कि भैया खुद अंदर घुस जाओ, दरवाजे में चटक नहीं लगा दो, कोई और ना सके। आई लव इंडिया बट आई डोंट लव इंडियंस। यू लव इंडिया? आई डोंट लव इंडियंस, दीज इंडियन जो यहाँ पे रहते हैं। नहीं वेल ये समझा नहीं मैं आपका, फिर इंडिया कौन सा है? इंडियन इंडिया तो इंडियन से ही है ना? नहीं वो इंडियन जो इंडिया में रहते भी नहीं है। तो इंडियन एनआरआई से आप? एनआरआई से नफरत? हाँ नहीं नफरत तो इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट आई मीन दीस गाइस आर सो, इंडिया में इतने बिगट्स नहीं है जितने एनआरआईज है। मतलब अगर इंडिया में आप बोलोगे तो मतलब आप कह रहे हो कि वही इंडियन बाहर आके बिगट बन जाता है। और शायद तब वहां भी होता हो, लेकिन यहाँ पे इनको ये लगता है कि हम खुल्लम खुल्ला नफरत फैला सकते हैं बाहर। हाँ नफरत फैला सकते हैं इंडिया में, क्योंकि हम खुद तो वहां नहीं रहते। यहाँ पे बैठ के दे विल बी अ गुड नागरिक, गुड सिटीजन है, यहाँ पे वो हर चीज के लिए कॉन्शियस होंगे, लेकिन पूरी नफरत का जहर जो है ना वो इंडिया में फैलाएंगे। आप बताओ आप तो यहाँ रहते हो, आप मिले होगे ऐसे लोगों से? यहाँ पे बैठ के मैं इंडिया में नफरत कैसे फैलाऊंगा? आप नहीं फैलाते ना यार, मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं मैं तो प्यार भी नहीं फैला पाता इंडिया में, यहाँ पे बैठ के तो कुछ भी नहीं कर सकता मैं तो यहाँ बैठा। नफरत फैलाना बहुत आसान है सर, ट्वीट करना है खाली। मेरे को एक एनआरआई का ट्वीट दिखाओ आप जो इंडिया में मोहब्बत फैलाने का कर रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते फिर सर आप बाढ़ में जाओ फिर। जनरलाइज करना गलत है? जनरलाइज करना गलत है, लेकिन आप मेरे को एग्जांपल तो दो ना। तो आप यूएस छोड़ के इंडिया आ गए, क्या सोच के आए थे? सर यूएस छोड़ के इंडिया तो मैं यही सोच के आया था कि मुझे काम नहीं करना है यार, मतलब ये नौकरी रोज सुबह सुबह ऑफिस जाना। और तो क्या करना है?
मैं जब आया था तो मैं सोच के आया था मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जाकि अगर कुछ भी दिक्कत होगी, मतलब जमीन है खेती कर लूंगा, ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, और ठेला लगा लूंगा कहीं पे, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। तो ये सब करना पड़ा कुछ आने के बाद? नहीं करना तो नहीं पड़ा, मतलब जमीन तो है ही, खेती खेती करनी पड़ी। नहीं नहीं करनी पड़ी, लेकिन ऐसा पीरियड जरूर आया था बीच में लाइफ में जहाँ पे मेरे पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे, तो अच्छा, तो फिर बारह क्या किया? तेरह दिन मैं बिल्कुल, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं जाके छोले कुलचे खा लूँ। तो फिर क्या किया आपने? पैसा कहाँ से आया फिर कुछ उसके नहीं बाद? किया, भूखा रहा सर। और हालांकि मेरे पेरेंट्स का घर पास में ही था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती उनके पास जाके बोलूँगा मुझे खाना खिला दो। क्यों यार, पेरेंट्स से खाना तो मांग ही सकते हैं आदमी। सर नहीं था, डिसफंक्शन फैमिली, और मेरे इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे अपने फादर से, और कि कि मैं खाना भी मांग सको उनसे? खाना भी मांग सकूँ। और तो वो मतलब मेरा जमीर ही अलाउ नहीं करता भाई यार, कि मैं जाके उनसे बोलूँ कि मुझे भूख लग रही है खाना चाहिए। हालांकि मुझे मालूम है मैं जाता तो मिल ही जाता खाना तो, लेकिन उसके साथ जो बेइज्जती होती कि तेरे को हम खिला रहे हैं इतनी उम्र में, वो बेइज्जती मेरे से बर्दाश्त नहीं थी। तो 13 दिन तक भूखे रह ली। हाँ 13 इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, मतलब भूखा तो पीरियड तो काफी टाइम चला, बट 13 डे इज द लॉन्गेस्ट अच्छा, जब मैंने कुछ नहीं खाया था। और शराब का जुगाड़ सोचा था ना। शराब के पैसे थे आपके पास नहीं खाने नहीं के नहीं, नहीं लिए? शराब तो देखो हिंदुस्तान में शराबी मैं अकेला थोड़ी हूँ, मतलब अकेला थोड़ी था, और भी शराबी थे वो लेके आए थे। अच्छा, और शराबी को क्या है, वो खाना थोड़ी लेके आते हैं, वो शराब ही लेके आते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जब आप US छोड़ के इंडिया आए तो आप खूब दिन तक भूखे भी रहे, खूब स्ट्रगल की। हाँ इंडिया तो मैं 2010 में आ गया था, ये तो मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। तो इतने 3 साल तक आपने क्या किया? कुछ नहीं, घर पे बैठे? 3 साल तक मैंने कुछ कुछ भी नहीं, मतलब इधर उधर ओपन माइक्स और ये और वो। बीच में हाँ मैंने एक वो करी थी, एक सीरीज करी थी फॉक्स के लिए, ट्रेवल शो था एक, उसको होस्ट किया था मैंने, लेकिन उस पर कोई खास पैसे मिलने नहीं थे, मुझे याद भी नहीं कितने मिले। हाँ 6 लाख रुपए मिलते हैं मेरे को, विच इज अ गुड अमाउंट। 6 लाख रुपए सर वो तो खत्म हो गए जल्दी दारू में? उसके। नहीं दारू में तो नहीं, मतलब अब आप अकेले रहते हो तो आपको बिजली का बिल, पानी का बिल, सोसाइटी का मेंटेनेंस सब भरना पड़ता है। और तो 6 लाख क्या, मतलब 50,000 रुपये महीने हुए ना, 50,000 रुपये में कहाँ होता है अगर आप अकेले रहते। इफ यू आर लिविंग विद योर विद योर फैमिली देन पीपल कैन टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ थिंग, बट आई लिव अलोन, आई हैव ऑलवेज लिव्ड अलोन, और मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। तो हाँ उसके बाद फिर बड़ी बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर 2013 में ये सब हुआ। उसके बाद 2014 में हमने ऐसी तैसी डेमोक्रेसी शुरू किया, और उसके बाद एक के बाद एक चीजें मतलब ठीक होती गई, नॉट बिकॉज ऑफ कि मैंने बड़ी मेहनत करी, जस्ट तुक्का। मैं कोई बहुत टैलेंटेड बंदा नहीं हूँ सर, मैं बहुत ही इन वेरी वेज आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर्चुनेट किस तरह? सर। मतलब अब आप ये यही बताओ कि मैं अगर आप अगर मेरा स्टैंड अप शो देखोगे, लोग उसको कॉमेडी बोलते हैं, लेकिन अगर आप उसको देखोगे तो कॉमेडी है ही नहीं, हूँ मैं सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ जो मैंने देखी है, सिर्फ वो उतना ही कर रहा हूँ। उसके लिए मेरे को टैलेंट भी नहीं चाहिए ना, वो तो जो जो हुआ है मेरे आसपास मैं वही सुना रहा हूँ, और उसमें अपना टेक दे रहा हूँ। तो इसको अगर कोई ये बोले कि यार ये तो बंदा बड़ा ही टैलेंटेड है, ये है वो है, तो आई डिसएग्री विद दैट। मैं मेरे में कोई खास, मेरे स्पोर्ट्स का तो टैलेंट था स्पोर्ट्स का? हाँ, लेकिन उसका मैंने कुछ करा नहीं। अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ कंट्री जहां पे मीडियोक्रिटी को ना सेलिब्रेट कराया जाता है, तो उसी चक्कर में मेरे जैसे मीडियोकर टैलेंट को भी लोग या तो गाली देते हैं या सेलिब्रेट करते आपको कोई ये मिले कि आप क्या करते हो तो क्या क्या बोलते हो आप?
मेरे पास जवाब नहीं है इसका सर कि मैं क्या करता हूँ, बट आई थिंक आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ लिविंग दिस लाइफ. यू आर इन प्रोफेशन ऑफ लिविंग दिस लाइफ. आई एम मैं जिंदगी जी रहा हूँ बस, जब तक मौत नहीं होती है. एक दिन तो मरना है ही ना, आप कौन सा मरो. ठीक है, जब तक मौत नहीं आ रही है तब तक ये जिंदगी मैं ऐसे जी रहा. इसका कोई मेरा कोई डिजाइन भी नहीं है, ना मैंने कुछ सोचा था कभी कि ये करना है वो करना है. जो हो रहा है मतलब वो साइड साहब का गाना है ना कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वही है सर. और कोई मेरे से पूछे आप करते क्या हो, तो मैं सिर्फ मतलब मैं जीता हूँ. खर्चा कैसे चलता है? खर्चा कैसे चलता है? पैसे से. तो जिंदगी को धुएं में उड़ाते हो लेकिन पैसे मिल जाते हैं. मैं आपको बोला ना कि इंडिया इज अ प्लेस टू सेलिब्रेट मीडियोक्रेटी. तो इतना मीडियोकर तो मैं हूं कि मतलब कि दाल रोटी चल जाए, इतना भी निखद नहीं मतलब वीडियो को. आई एम नॉट ब्रिलियंट और कुछ. आप खुद ही बताओ, आपने मतलब मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको देख के कोई ये बोले कि यार बॉस क्या करामाती बात कर दी इसने. मैं सिर्फ मीडियोकर रोजमर्रा की बातें करते करते आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट. संजय भाई, मैं ये सोच रहा हूँ आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं रहे, जो भी रीजन रहे हो, अल्कोहल अब्यूज, ठीक है, बेशुमार. आपने नौकरी करी, नौकरी भी छोड़ दी, यूएस में थे, यूएस से भी छोड़कर आ गए, आज आप बोल रहे हो कि कोई टैलेंट नहीं है. आर यू क्रेजी? ये तो डू यू थिंक यू आर क्रेजी? ये तो सर बाकी लोग बताएंगे, मुझे कैसे पता होगा मैं क्रेजी हूं या नहीं. मैं बाइपोलर हूं, मुझे ये पता है. व्हाट डू यू थिंक? ऑनेस्टली बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आर यू क्रेजी, आई डोंट थिंक आई एम क्रेजी. आई एम जस्ट ह्यूमन. आई एम एम्पैथेटिक. आई एम अ जस्टिस जंकी. जस्टिस जंकी पे भी आऊंगा मैं. बस उसके अलावा तो मैं क्रेजी. हाँ, कि मैं मतलब 50 साल का हो गया हूँ, मैंने कभी शादी नहीं करी, मैं कोई स्टेबल रिलेशनशिप में कभी नहीं रहा, और मैंने नौकरी कभी नहीं करी, मैं अकेले अकेले रहा हूँ, हमेशा अकेला रहता हूँ. बहुत सारे पैमानों के हिसाब से तो मैं क्रेजी हूँ. आपको क्या लगता है? डू यू थिंक आई एम क्रेजी? आई थिंक यू आर क्रेजी. और क्रेजी कुछ जिंदगी में कुछ करना है ना, तो उसके लिए आई थिंक क्रेजी होना पड़ता है. हाँ, तो मैंने इसे कुछ खास करा नहीं है सर. वो तो खैर, देयर कैन बी टू ओपिनियंस अबाउट इट, बट आई थिंक क्रेजीनेस एक लेवल तक चाहिए होती है. तो आप राइट विंग तो ऑब्वियसली नहीं हो, राइट? हाँ. आप लेफ्टिस्ट हो? नहीं. यार अपने आप को लिबरल बुलाते हो, क्या बुलाते हो? मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं बोलता सर. मैं आई एम लर्निंग, आई एम एजुकेटिंग माय सेल्फ. आपकी सोच किस उससे ज्यादा अलाइन होती है सर? मैं वो मैंने आपको बोला ना कि मैं जस्टिस जंकी हूँ. मेरी सोच एम्पैथी में जस्टिस से अलाइन होती है. मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं कोई मतलब पावर वाली पोजिशन में नहीं हूँ, ना मैं मेरे में कोई टैलेंट है, ना मैं कोई सुपरस्टार हूँ जो कोई एक एक्शन से उसे दुनिया बदल जाए. मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं अपनी अपनी आवाज इनजस्टिस को एम्पलीफाई करने के लिए तो यूज कर ही सकता हूँ. बट डू यू थिंक लोग आपकी बात सुन के, लोगों को 19-20 का भी फर्क पड़ता होगा, या वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुनते होंगे? मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं लगता कि खास फर्क पड़ता होगा, लेकिन अगर एक को भी पड़ रहा है ना तो वो काफी है.